हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। आज मैं लेकर आई हूँ केक प्रीमिक्स की रेसिपी। ये इंडस्ट्रियल केक प्रीमिक्स है, इसे हम दो फ्लेवर में देखने वाले हैं, एक वैनिला और चॉकलेट फ्लेवर में। और इसे होममेड बनाना बहुत ही आसान है। ये वैसे ही मार्केट स्टाइल स्पॉन्जी और जालीदार बनता है, मॉइस्ट बनता है। इसमें आप आइसिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कप मैदा, ये 130 ग्राम है, तो इसे हम डाल देंगे। और यहाँ पर ये जो कप है ये 250 ml का है। और उसी के साथ हम लेंगे हाफ कप पीसी हुई चीनी, मिस पाउडर शुगर, ये 80 ग्राम है, तो ये हम इसी में डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर देना है 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और इसी के साथ यहाँ हाफ टेबल स्पून दिया हुआ है, तो हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें और ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे इस ब्रांड का लिया है, विकफील्ड का। बहुत ज़्यादा पुराना आपको यूज़ नहीं करना है, फ्रेश ही आपको यूज़ करना है और अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और उसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको स्पून से ले करके इस तरह से फ्लैट करके लेना है और इस मिक्सर में आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ पर है ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट GMS पाउडर, जो कि बहुत अच्छा टेक्सचर देता है केक को, जाली बहुत अच्छी लाता है, ये ऑयल और वाटर को होल्ड करके रखता है जिससे केक ऑयली नहीं लगता है, एक अच्छा स्टेबलाइजर है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का GMS पाउडर यूज कर सकते हैं। अब हाफ टी स्पून GMS पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें 1/4 टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ ही में 1 टी स्पून हम वेनिला पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास वेनिला पाउडर ना हो तो जब आप बैटर बना रहे हो तो उसमें आप वेनिला एसेंस ऐड कर सकते हो। अब इसे हमें छान लेना है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक प्लेट और ये छन्नी, और इसमें अब हम ये सारा मिक्सचर डाल करके इसे हमें अच्छे से छान लेना है। और ये प्रोसेस हमें कम से कम 2 से 3 बार करनी है ताकि हमारा जो केक है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आए। तो यहाँ पर जो चीनी के मोटे दाने दिख रहे हैं इसे हम निकाल देंगे और इसे हम वापस से मिक्स करके एक बार और छान लेंगे। तो ऐसा मैं यहाँ पर 3 टाइम्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 टाइम्स छान लिया है। अब इसका वेट चेक कर लेते हैं कि कितना ग्राम ये प्रीमिक्स हमारा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 260 ग्राम प्रीमिक्स बन करके रेडी हुआ है। इससे आप 1/2 kg और 1/4 kg का केक बना करके रेडी कर सकते हो विद आइसिंग। अब यहाँ पे मैं वापस ले रही हूँ एक बाउल और इसमें हम डाल रहे हैं 130 ग्राम मैदा, मींस 1 कप, तो ये 250 ml का ही कप है। और 1/2 कप हम यहाँ पे डालेंगे पाउडर शुगर जो कि 80 ग्राम है। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे ये 3 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर ऐड किया। अब सेम हम 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा, और उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून वेनिला पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे नमक, और उसके साथ हम डालेंगे 2 टीस्पून कोको पाउडर। यहाँ पे आपको डार्क कलर का कोको पाउडर यूज़ करना है या फिर आप मलेशियन कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून GMS पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। इसको हमें अच्छे से छानना है 2 से 3 बार। तो मैं इस प्रीमिक्स को भी 2 से 3 बार अच्छे से छानने वाली हूँ और उसके बाद इसको हम एयरटाइट कंटेनर में भर करके रखेंगे। तो इसे भी मैंने 3 टाइम छान लिया है अच्छे से और उसके बाद अब इसका हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको टेयर किया है और ये प्रीमिक्स अब हम ये बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 266 ग्राम यहाँ पे ये प्रीमिक्स बन करके रेडी हुआ है क्योंकि इसमें हमने कोको पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने 2 एयरटाइट कंटेनर ले लिया है और इसी में अब हम ये प्रीमिक्स भर करके रखेंगे। और इसको आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो और इसको आप बाहर भी स्टोर करके रख सकते हो। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 से 4 महीने है। अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो फ्रिज में आपको उसको बाहर निकाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाना है और उसके बाद आपको केक का बैटर इसे बनाना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आप ये प्रीमिक्स भर करके रख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह से स्टिकर भी लगा रही हूँ। तो ये बढ़िया सा होममेड प्रीमिक्स हमारा बनकर के रेडी है। आप घर में ही इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये होममेड प्रीमिक्स घर पर बनाना बहुत सस्ता पड़ता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर ना हो तो इस तरह की जिपलॉक पॉलिथीन है तो आप उसमें भी इसको फिल करके रख सकते हैं। अब इस प्रीमिक्स का हम स्पॉन्ज भी देख लेते हैं कि इसका टेक्सचर कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 185 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और इतना बच गया है। आप 180 ग्राम भी ले सकते हैं 1/2 kg केक के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए बैटर लगाते टाइम। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है 5 इंच का टिन और उसमें ये बैटर मैं डाल रही हूँ और इसको अब हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो इसको अच्छे से पहले टैप कर लेते हैं और इसको अब हम बेक होने के लिए रख देंगे। और उसी के बाद यहाँ पे अब हम देख रहे हैं चॉकलेट प्रीमिक्स। तो मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे पानी डाल करके इसका हमें अच्छा सा स्मूथ सा बैटर लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए इस बैटर की। और इसे मैं 6 इंच के टिन में पोर कर रही हूँ और नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको हम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे और इसको भी हम टैप करेंगे और उसके बाद में इसको अब हम बेक करेंगे। इसको भी मैं कढ़ाई में ही बेक कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो चॉकलेट स्पॉन्ज है अच्छे से बेक हो गया है और ये टूथपिक भी क्लीन आई है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये फूला है। और यहाँ पर ये वेनिला प्रीमिक्स वाला स्पॉन्ज भी हमारा बेक हो गया है और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये बेक हुआ है। अब साइड से इसकी एजेस को नाइफ से पहले क्लियर कर लेंगे और उसके बाद इसको हम डिमोल्ड करेंगे। इसको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप डिमोल्ड करें। और ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्ज और बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका टेक्सचर आया है, सॉफ्ट भी बना है, जाली भी प्रॉपर आई है। अब इसका पीछे का बटर पेपर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है, जाली भी एकदम प्रॉपर आई है, कलर भी इसका प्रॉपर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही ये स्पॉन्ज रेडी हुआ है और उतना ही ये सॉफ्ट भी बना है। और इसे अब हम कट भी कर लेते हैं। तो इसे 5 इंच के टिन में बेक किया था तो इससे हाइट बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ पे आप इसकी 4 लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब उसी तरह से हम ये जो चॉकलेट वाला केक बेक किया था इसको भी डीमोल्ड करेंगे और ये भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है, प्रॉपर जाली आई है और ये सॉफ्ट भी उतना ही बना है। तो इसे भी हम पीछे से बटर पेपर निकाल करके देख लेते हैं और इसको भी अब हम कट करेंगे। तो इसे मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया था तो मैं इसके यहाँ 3 लेयर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, ये कितना मॉइस्ट बना है, सॉफ्ट बना है। इसी तरह से आप होममेड प्रीमिक्स घर में ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेक्सचर आप घर में ही ला सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।